नमस्कार मित्रों, साथियों, दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई और नंदन वाजपेयी। आप देख रहे हो टेक फॉर नेट। अजीब सा टेक फॉर नेट चैनल का नाम रख लिया मैंने। खैर, रख लिया तो रख लिया, कोई बात नहीं। एक जानकारी शेयर करने इस जानकारी क्या मतलब, मेरा अपना विचार, आप लोग तो जानते हो मैं अपने विचार रखता हूँ केवल अपने वीडियो में। तो विचार ये है, मैंने कुछ विचार ये किया कि ऐसा लगता है जो हमारे आसपास की जो दुकानें हैं और हम लोग इधर मतलब ई कमर्शियल मार्केटिंग साइट वगैरह में, मतलब ई बिजनेस में या ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन मार्केटिंग में उलझे हुए हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील्स, जोमेटो, ये सभी। तो इसके बारे में अपना एक विचार है, कुछ ऐसा सोचना है कि मैंने सोचा कि जो हम लोग अभी तक क्या होता था जब ये सब नहीं थे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब, तो हम लोग जो कोई भी जनरल आइटम भी परचेस करते थे तो अपने पास के पड़ोस के किसी राम भैया के यहाँ से या सुनील भैया के यहाँ से, जो भी वो शॉपकीपर हो उनके यहाँ से ले आते थे, ठीक है, जनरल आइटम घर का। अभी क्या है, देखने में आ रहा है कि जो जनरल आइटम भी घर का है, वो छोटी से छोटी चीज़ भी जो है ये ऑनलाइन मार्केट वाले जो है सब बेचना चालू कर दिए हैं और घरों तक पहुंचा रहे हैं और लोग इसको ले भी रहे हैं। तो अपना सोचना ये है कि मतलब हम जब कभी मार्केट आर्केट जाते हैं या हमारे साथ कुछ हादसे हो जाते हैं, हम कोई भी हो, हम हो या कोई भी समाज में जाता है, तो मार्केट, भरी मार्केट में अगर कोई बच्चा गिर जाता है, साइकिल से गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी उसके साथ हादसा हो जाता है, तो ये बेचारे दुकान वाले जो होते हैं यही आते हैं सबसे पहले दौड़ करके और उन्हें जो है मतलब बैठाते हैं अपने पास, और उसको अगर ज़्यादा इंजर्ड है तो उसको हॉस्पिटल तक भी पहुँचाते हैं, या कम है तो उसकी पास में ही क्लिनिक में कहीं बैंडेज वगैरह करवा देते हैं, ठीक है, दवा वगैरह लगवा देते हैं। तो ये सब, और जब कभी बारिश वगैरह होती है या आंधी तूफान आता है तो ये छोटे छोटे दुकानदार जो हैं ये हम लोगों की मदद करते हैं और पनाह देते हैं अपनी दुकान के आगे, छत जो छत होती है इनकी, वहाँ पर खड़े रहने को बोलते हैं कि आइए यहाँ खड़े हो जाइए बहन जी, ये भाई जी। तो बड़ा अच्छा लगता है। और कभी सोचिए कि अगर आप, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पर हमको हमारे जो आस पड़ोस की दुकानें होती हैं या जो भी होती है, तो वहाँ पर हमको थोड़ा बहुत क्रेडिट भी मिल जाता है, क्रेडिट में भी आइटम मिल जाता है कोई भी चीज़। पर आप सोच के देखिए, क्या अमेज़न या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह जो कंपनियां हैं, ये हम लोगों को जो है उधार तो देती ही नहीं, ठीक है ना, और कोई मतलब ही नहीं बनता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो अब ये भी है ना कि हमारा दुकानदार भी, कुछ दुकानदार होते हैं जो घर तक भी भैया पहुंचाने को राजी, आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कुछ दुकानदार ऐसे हैं, बहुत से हैं जो घर तक भी पहुँचाते, अगर पास में आपका घर है अगल बगल में ही, तो घर तक बेचारे पहुँचाते को मजबूर है, क्योंकि जानते हैं कि अगर बंदा हमारे पास से ले रहा है सामान तो ये हमारा अपना कस्टमर है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये भी शोरूम चला जाए या ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे तो ये तक करने को मजबूर है बेचारे। तो इनके बारे में भी सोचिए, और मतलब इनको वापस जो है कोई भी ख़रीदना हो तो यहाँ पर दुकान से ही ख़रीदें, ऐसा कुछ विचार है अपना। और हमें इनको जो है कोऑपरेट करना चाहिए, मतलब इनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनसे ही सामान वगैरह ख़रीदते रहें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है। ये साइट आइट से सामान लेना महंगा भी पड़ता है, और सही मायने में तो ये है ना कि ये एक प्रकार से आजकल के ढकोसले हो गए हैं, बवाल है खाम खां का। और बहुत अच्छा सीन है मेरे सामने इस समय छत पर जो है, देखिए ये चिड़िया लोग हैं, आपको नहीं दिखेगा, चलिए मैं थोड़ा सा पास जाऊंगा तो वो उड़ जाएगी। और ये छत पे पानी भरा हुआ और चिड़िया आके पानी पी रही है, वहाँ पर आपको दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा, वो देखिए दिख रही है आपको, तीन चिड़िया हैं और वो ये देख, मैं पास जाऊंगा तो उड़ जाएंगी, चलिए। तो ये एक मोमेंट है कुछ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इनसे जो है सामान लेना, मतलब ये ऑनलाइन साइट वालों से ये
इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ सामान ही मिल जाता है। और छोटे दुकानदारों से या कोई भी हमारे पास पड़ोस में सभी कुछ तो मौजूद है। आखिर ये ऑनलाइन शॉप वाले जो होते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट, ये उठाते तो इन्हीं दुकानों से ही है ना सामान। तो अब इनके यहाँ से उठाने में दुकानदारों को लॉस होता है भाई, बल्क में ये लोग ख़रीद लेते हैं तो उनको सस्ता देना पड़ता है। तो जो भी हो, मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा हेल्प करते हैं तो बड़ी बात होगी। और इनको बॉयकॉट करने का सोचिए, नहीं बॉयकॉट कर सकते हो तो थोड़ा बहुत दुकानों की हेल्प करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये अपने विचार हैं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको किसी नई जानकारी के साथ।